तुम्हारा बड़ा पानेदार आई था। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पता है। मैं वादा करता हूँ तुमसे अपनी सारी गलतियाँ सुधारो। मैं तुम्हें वो अहमियत दूंगा, वो हैसियत दूंगा अपनी जिंदगी में जो पहले नहीं थी। सब्र से काम लो और अपने इस कारोबार को सीखने की कोशिश करो। उसके बाद जमशेद के पैसे उसके मुंह पर मारना और हबीब को उसकी जगह पर रख सकते हैं। बहुत देर हो जाएगी यहाँ, जब तक वो चाचों के कदम मजीद मजबूत हो जाएंगे। ये गेट पे क्या कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी और क्यों? कौन था वो? कुछ पूछ रही है तुमसे, बोलो, जवाब दो। अरे हमजा आया था, दिखाओ। थैंक यू। ये कौन है भाई हमजा? वो अम्मा, मेरा स्कूल जाहिर है मैं जा नहीं रहा हूँ, तो पढ़ाई सारी मिस हो रही थी, तो मैंने उसे कहा था मुझे नोट्स दे दो ना, तो वो देने आया था। तुम्हारा दोस्त है तो ये उसके पास क्या कर रही थी? मैं ऑफिस के काम में बिजी था इसलिए, जाहिर है। खुद जाना था ना, इसको क्यों भेजा तुमने? और तुम तो अकल करो, मुंह उठा के चली गई तुम। कुछ देख लेता दादी या पुप्पी तो पता है ना कितना हंगामा होता घर में। सॉरी बड़ी अम्मी, वो गलती हो गई, आइंदे से ख्याल रखूंगी। नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती, कर समझी? ख्याल करो पढ़ाई, तवज्जो दे रहे हो तुम, अच्छी बात है, कामयाब करेगा तुम। आइंदा ऐसी हरकत ना हो। फाखिर बात तो सुनो मेरी। अरे क्या है यार, अब बोलो। थैंक यू कह रहा था तुम लोग। बड़ी अम्मी आई थी ना, तो बहुत गुस्से में लग रही थी, तो उनको देख के मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। शुक्र है तुम आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ज़ेबी है ना, ज़ेबी को आना था मुझे नोट्स देने, वो नहीं आ सकी इसलिए उसने हमजा को भेज दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आ रहे, अगर मुझे पता होता तो मैं मना कर देती, मैं कह देती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए नोट्स। शुक्र है दादी या पप्पो में से किसी ने नहीं देख लिया, वो लोग देखते तो घर में एक नया मसला खड़ा हो जाता ना। अगर मुझे पता होता ना कि वो आ रहे हैं तो मैं नहीं जाती, मैं परेशान होकर चली गई थी, मुझे डर लग रहा था कि कोई देख लेगा, इसलिए मैं गई थी नोट्स लेने, वरना मैं उसे दरवाजे पे ही खड़ा रखती। बहुत अजीब सा है वो। और फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने आंजर को खुद बुलाया था? एनी, मैंने पहले कभी तुम पे शक नहीं किया, ये आवाज़ नहीं उठाई तो मैं अब क्यों करूँगा? बस तुम्हें ये याद दिला रहा था कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। अलबत्ता मैं भी यही चाहूँगा कि तुम भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रहो बगैर सवाल उठाए। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम किसकी तरफ होती हो, अपने अब्बा या मेरी तरफ। अब्बा की? हबीब इतनी जल्दी आ गए आज? अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैंने सोचा कि खैरियत दरियाफ्त कर लूँ आपकी ऐसे ही। तो फोन कर लेते ना, आने की क्या जरूरत थी? लगता है मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बोले। क्या बात है, मतलब आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। मेरे हस्बैंड के आने का वक्त है, परेशान तो होंगी ना, आप अभी जाएं यहाँ से। अब कोई फिक्र नहीं करें आप, मैं कोई बात बना लूंगा, इत्मीनान रखें। अरे अरे आप किस बात के लिए बना लेंगे, मैं खुद देख लूंगी अपनी चीजें, अभी जाएं यहाँ से, चलें। चला जाता हूँ, मैं जरूरी काम से आया था यहाँ पर आपके पास। क्या जरूरी काम? वो कुछ अर्जेंट रकम की जरूरत पड़ गई थी मुझे। तो मैं क्या कर सकती? मतलब
50,000 रुपये की ज़रूरत थी मुझे, वो भी अगले 3 दिन के अंदर। आपके पास तो होंगे ना? क्या? मेरे पास इतनी बड़ी रकम कैसे होगी भाई? क्या हो गया आपको? देखें, पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही होगा, छोटी सी बात है आपके लिए, आप तो इतनी समझदार हैं। 5-10 हज़ार रुपए की बात थोड़ी है कि मैं ऐसे ही दे दूं, मेरे पास नहीं होंगे इतने सारे पैसे। देखिए, पैसे तो आपको देने होंगे। अब देखिए, कितने मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आया हूँ, आप भी तो हमारे किसी काम आए, वरना हो सकता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाए। बेहतर होगा कि 50,000 का इंतजाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, हमें आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। हबीब हमें घर से निकाल रहा है और आप खामोश बैठी हैं, कुछ बोल भी नहीं रही उसे। अरे, वो तुम्हें घर से कब निकाल रहा है? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं घर से जाने वाली। आपको तो बस हम ही गलत लगते हैं अम्मा। पापा, वो चाहती क्या हो? तुम्हें ऐसा चाहिए था ना, ना कभी अल्लाह बख्श से ज़हीर ने इनकार किया, ना हबीब कर रहा है। क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? अच्छा अच्छा, तो आप यही चाहती हैं कि एक दफा जब हम इस घर से चले जाएं दोबारा कदम ना रखें, यही चाहती है ना? अरे, हमने ये कब कहा? तो क्या तुम यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए आई थी? हैं? नहीं ना। अच्छा, मेरी बात सुन लो, लड़कियाँ अपने घर में अच्छी लगती हैं, मैके में अच्छी नहीं लगती। हाँ, बता दिया। आज हमें ज़हीर भाई की कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर वो हमारे बीच में होते ना, तो कभी हमारे साथ ये होने ना देते। मेरा ज़हीर, पर तुम लोगों को आज इस तरह से पैसों के बल रहता देखता ना, उसका दिल ही टूट जाता। मेरा बच्चा, इस तुमको कितनी अहमियत देता था वो। अरे, कुछ तो लिहाज कर लो तुम लोग। बस अम्मा, रहने दे, आपने हमेशा बेटे और बेटियों में फर्क रखा। बेटे हमेशा से आपको अजीज रहे और बेटियां बोझ लगती हैं। आज भी आप यही कर रही हैं, हबीब का साथ दे रही हैं। ज़हीर भाई ने हमेशा फराज साहब और हमारा साथ दिया था। वो जानते थे हबीब की नीयत, इसीलिए फराज साहब को अपने साथ लगाया था। लेकिन आप तो बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई हैं। अभी भी वक्त है अम्मा, देख लें, वरना इस पूरे घर को पछताना पड़ेगा। नहीं कहा है जी अम्मा? रोटी एनी, जल्दी ले आओ रोटियां। यहाँ रुको अम्मा, आज सब एनी ने अपने हाथों से बनाया। पप्पू कह रही है कि वो खाने पे नहीं आएंगी, उन्हें भूख नहीं लग रही। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, बाद में खा लेगी जब भूख लगेगी। एनी, बाद में लगा देना खाना उसको। ये तुम कहाँ जा रहे हो वापस? भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। भूख नहीं है, मेरी वजह से नहीं खाना चाह रहे। ए? नहीं, मैं बाहर बैठ के खाना खा लेता हूँ। नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर यहाँ आके बैठो, तभी से खाना खाओ सबके साथ बैठ।
तरह की बातें हो जाती हैं तो ये मतलब थोड़ी है कि घर खाने से मोड़ लिया जाए। है हद होती है। ए भाई, मर्दों का काम है, वास्तव से मर्दों का काम है खानदान को जोड़ के रखे, लोगों की तरह से नहीं। एक मेरा जहीर था, हमेशा खानदान को जोड़ के रखा उसने। तुम दोनों को मेरी ये हिदायत है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और वो घर का माहौल ख़राब ना करो। समझ गए दोनों? तो खाना खाओ। मैंने अपने हाथ से बनाया है सारा खाना, तुम दोनों भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। इतना मज़े का खाना बनाया तुमने। हाँ बेटा, बहुत मज़े का। जी भी रहो, खुश रहो। अच्छा, इसी तरह से जिम्मेदारी से सब काम सीखोगी तो अपनी अम्मा और सास से भी आगे निकल जाओगी, फिर इन्हें भी सिखा देना। हापी, सब खैरियत तो है ना? आपने अचानक मुझे बुला लिया इस टाइम पे, क्या हुआ है? आलिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इधर आओ। ज़रूरी बात करनी है? इधर आओ ना। आपी, अरे ऐसी भी कौन सी ज़रूरी बात है जो आप बता नहीं रही है मुझे? हुआ क्या है? हाँ आलिया, मुझे क्या, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं वापस कर दूंगी, प्लीज। 50,000? हापी, मैं कहाँ से लाऊंगी 50,000 रुपए? और ये आपको इतनी अचानक क्या आफत आ गई? आलिया, मैंने किसी से ना पैसे उधार लिए थे। हाँ, और मैं इसी तरह करके अपना गुजारा चलाती हूँ। तुम्हें पता है ना हबीब का, वो नहीं देते हैं मुझे सही तरह पैसे। अब जिससे मैंने उधार लिए थे वो पैसे वापस मांग रहा है। अगर तुम कहीं से मैनेज कर सको तो। हापी, मैं कहाँ से लाऊंगी 50,000 रुपए? और इस चीज के लिए तो आपको हबीब भाई से मदद मांगनी चाहिए ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, हबीब से नहीं मांग सकते ना, इसीलिए तो तुमसे मांग रही हूँ। क्यों नहीं कह सकती आप उनसे? आलिया, इतनी मुश्किलों से मेरे हालात उससे ठीक हुए हैं, मैं ऐसी बात करके खराब नहीं कर सकती। और तुम जानते हो ना, हम भी पैसों के मामले में बहुत कंजूस है। तुम जमशेद से कहो ना, वो तो इतने पैसे लुटाता है तुम पर, करते गा ना अरेंज। मैं वापस कर दूंगी, है ना तुम मेरी यार, ऐसे वक्त पे काम नहीं आओगी। प्लीज आलिया, प्लीज। ठीक है आपी, आप परेशान नहीं हो, मुझे बस थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सोचने का टाइम दे, मैं कुछ करती हूँ। अचानक से क्या करो मेरे, कैसे बोलूंगी जमशेद को? यार जेबी, अगर तुम मुझे नोट्स देने नहीं आ सकती थी तो तुम मुझे बता देती, तुमने हमजा को क्यों भेज दिया? तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वाले कैसे हैं, पर हमजा को तो देखो, वो भी मुंह उठा के आ गया। अच्छा, प्रिंसिपल ने ये कहा था? यार चलो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ जबी, ठीक है ठीक है। तुम अच्छा
मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, सही है? हाँ बस जाना है, चलो चलो, अल्लाह हाफिज़। फाखिर, फाखिर मेरी बात सुनो ना। बोलो। वो कल तुम मुझे स्कूल ले जाओगे प्लीज? घर में तो किसी से बोल नहीं सकती, तो नहीं जाओ? स्कूल क्यों जाना? ऐसे मत देखो, पढ़ने के लिए नहीं जा रही, जितनी सारी छुट्टियां कर रही हूँ ना इसकी एप्लीकेशन देनी है। मैं एक्सपेल हो जाऊंगी मैं स्कूल से, प्रिंसिपल ने बोला है। फाखिर फाखिर प्लीज 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 तुम मुझे स्कूल ले जाओ। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा, कल कल चले जाएंगे। कल मैंने भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, तुम भी चली चलना साथ। सही, पता नहीं कब जाना हो दोबारा। क्या मतलब? 40वें के बाद जाना है ना तुम? अच्छा, ऑफिस कौन संभालेगा? आपके अब्बा जी कब्जा कर लेंगे उस पर, तुम तो यही जाओगी। फाखिर मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम्हारी पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कल 8 बजे तैयार हो जाना, पहले मेरे स्कूल जाएंगे फिर तुम्हारे स्कूल चले जाएंगे, जो भी तुम्हारा काम है वो निपटा लेना, अम्मा से बात कर लूंगा मैं। और अब जाओ, मुझे सोना है यार, तुम भी सो जाया करो भाई। चलो मुझे भी तो दो, मेरा है ना, तेरी पीछे ना बाहर से ले आओ, जाओ हटो, कल जाना नहीं जाना। आउट ब्लैक एनर हो तुम, यहीं सो रही हूँ मैं। एनी पानी ले आओ यार मेरे लिए जरा, कल जाना नहीं जाना, कभी स्कूल ले लौट के। हाँ भाई, बात की अम्मा से? हाँ, लेकिन वो हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने हमारी हर बात का जवाब हबीब की तरफदारी में दिया। तो तुमने समझाने की कोशिश नहीं की? आपको क्या लगता है हमने नहीं की होगी कोशिश? पर वो साफ साफ कह रही है, या तो अपना हिस्सा लेके चली जाओ, यहाँ पे चुप करके बैठ जाओ। बहुत चालाक है अभी, पहले सबको मजबूरी में फंसाया और अपनी बात मनवाई, अब तुम्हारी अम्मा को अपनी बातों में लेकर हमें इस घर से निकालना चाहते। ठीक कह रहे हैं, हमें तो अपनी दाल गलती भी नजर नहीं आ रही। आज आपके खाने पे भी किसी ने नहीं पूछा, खामोशी से सबने खुद खा लिया। तो कहा होगा अभी नहीं, मत बुलाओ इन्हें। हम तो कहते हैं फराज सा बस अपना हिस्सा लेते और चलते ही उसे। तो क्या करोड़ों का हिस्सा मिल रहा है तुम्हें, कितना गुजारा हो जाएगा हमारा इस पैसे से? लेकिन हम तो यही चाहते थे ना। तो पहले की बात थी ना, कारोबार से लगे रहेंगे तो हमारा गुजारा तो होता रहेगा ना। अकाउंट्स देखे हैं मैंने, बहुत पैसा बनाया भाई साहब ने। कारोबार अगर लाइन पर आ गया तो हमारी जिंदगी की गाड़ी तो चल पड़ेगी, सब आदमी भी ले ले। आपकी बात अभी समझ में आ तो रही है, घर में तो हमारा हिस्सा है ही, बिजनेस में भी होना चाहिए, और ये दूसरी सूरत में हो सकता है जब हम इस घर में रहें। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, तो बड़ा गेम बनाना पड़ेगा। हबीब की कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो खुद मजबूर होके हिस्सेदार बना ले हमें बिजनेस में। वो मुझे ना आपसे 50,000 रुपये चाहिए थे। 50,000? इतनी बड़ी रकम का तुम क्या करोगे? तो शादी से पहले मैंने अपनी दोस्त से 50,000 रुपये उधार लिए थे, अब अचानक उसकी भी शादी हो रही है तो उसको सारे पैसे वापस चाहिए।
फाखिर कैसा है मेरा यार? सब ठीक यार, इतने दिनों बाद स्कूल में? हाँ बस वैसे ही है। हाँ यार फाखर, कहाँ हो आजकल यार, स्कूल ही नहीं आ रहे हो? सलाम। यार फाखर तुम आते तो बड़ा मज़ा आता था यार, अब तो हम यूँ बोर ही बैठे रहते हैं। सारा शुगल तुमसे ही था यार। मैं भी मिस करता हूँ यार तुम सबको। जाहिर है। तो फिर कब से आ रहे हो स्कूल? पता नहीं यार, फिलहाल तो अभी बस लीविंग एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवाई है मैंने। देखो क्या बोलते, ऑफिस की भी दस्तखत होते हैं, तुझे पता तो है। वाह ऑफिस, तेरी लाइफ तो बहुत ही चेंज हो गई है यार। तुमने आमरा को देखा है कहाँ पर? नहीं यार आमरा को तो नहीं देखा, मैं स्ट्रेट अवे क्लास से ही आ रहा हूँ। चलो यार फाखर, हमारी हमारी क्लास का टाइम हो गया, मिलते हैं। आपकी चाय। हाँ जमशेद, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। है आप पहले अपना ये हिसाब किताब तो साइड में रखें। अरे अच्छा बोलो। वो मुझे ना आपसे 50,000 रुपये चाहिए थे। 50,000? इतनी बड़ी रकम का तुम क्या करोगी? तो शादी से पहले मैंने अपनी दोस्त से 50,000 रुपये उधार लिए थे, अब अचानक उसकी भी शादी हो रही है तो उसको सारे पैसे वापस चाहिए। क्या वो जमशेद आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आलिया तुम्हें तो पता है मैं सारे पैसे बिजनेस में लगा चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और इतनी बड़ी रकम अचानक से अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हम मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? वो तो मुझे रोज पैसों के बारे में बोल बोल के शर्मिंदा कर रही है, क्या करूंगी अब मैं? एक बात पूछूं अलिया, शादी से पहले इतने सारे पैसे क्यों चाहिए थे तुम्हें? क्या बताऊं आपको जमशेद, एक अकेली लड़की का इस माशरे में रहना कितना मुश्किल है। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है और ना ही कोई भाई है। आप जानते हैं जो भी किया मैंने अपने लिए खुद अपनी सैलरी से किया है। बस पता है जब पैसे नहीं होते थे ना तो मालिक मकान किराया लेने के लिए सर पे खड़े हो जाते थे, ज़रूरत पड़ गई ना तो अपनी दोस्त से फिर मैंने उधार पैसे ले लिए थे। मैंने सोचा था मैं थोड़े थोड़े करके उसको वापस कर दूँगी, लेकिन फिर अचानक से चलिए बहुत टेंशन हो रही है मुझे, क्या करूँ मैं? तुमने ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती आपको जमशेद, मैं आपको अपने माजी से परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान हूँ अब, बहुत शर्मिंदा हूँ, अब क्या करूँगी मैं? अच्छा रो नहीं ना, मैं करता हूँ कुछ, कहीं से अरेंज करता हूँ। कितने अच्छे हैं आप, मुझे पता था कि आप मेरे साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। मैं चाय पी लूँ? मैं लिख कर अब चाय मुझे पीने दो। कुछ और चाहिए आपको? मैं चाय के साथ। चाय बहुत अच्छी बनी। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोबारा यहाँ स्कूल आओगी। मैम मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता,
लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अब पढ़ाई को सही तरीके से मैनेज कर सकूँ। लेकिन मैम कभी कभी घर में ना मसले आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो रोज़ ही आते हैं। मैं समझ सकती हूँ एनी, शादीशुदा लड़कियों के लिए पढ़ाई को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो लड़कियाँ खुद पढ़ाई छोड़ देती हैं और कभी उनके ससुराल वाले छुड़वा देते हैं। कितने मजबूर होते हैं ना हम। देखो एनी, अपनी मजबूरी को ना अपनी कमजोरी मत बनने देना। मैंने बहुत सी लड़कियों की इस एज में शादी होते देखी है, उनको स्कूल छोड़ते देखा, और हर दफ़ा मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों के साथ हार गई। क्या हमारा यही नसीब है मैम? देखो किस्मत की डोर जो है ना वो बंधी होती है। अब ये आपके ऊपर है कि या तो वो आप डोर किसी और के हाथ में दे दें और सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को ब्लेम करती रहें, या वो डोर आप अपने हाथ में रखें और अपनी किस्मत को बदल दो। ये फैसला तुम्हें खुद करना। देखो ये सब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि तुम बहुत ब्रिलियंट, तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकती हो और शादीशुदा लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती। मुझे यकीन है कि तुमने अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे और मैं तुम्हारे उन ख्वाबों को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ रास्ता बहुत मुश्किल है। तुम दो कश्तियों में सवार हो और अगर एक कश्ती किसी भी तुम्हारा पैर हटा तो तुम डगमगा कर गिर सकती हो, मगर तुम्हें अपने इस डर से बाहर आना है। तुम्हें फिनिश लाइन तक जाना है, तो अपना ग्रेजुएशन जरूर पूरा करना। मैं भी यही चाहती हूँ मैम, लेकिन क्या ये मुमकिन है? हर कोई मुझे यही कहता है कि पढ़ाई के बाद जब तुमने किचन ही संभालना है तो फिर इस पढ़ाई का फायदा क्या? डिग्री खुद कागज का टुकड़ा थोड़ी है जिसे चूल्हे में झोंका जाता है। क्या जॉब करने के लिए पढ़ा लिखा इंसान होना जरूरी है? घर बैठी औरत के लिए भी तालीम उतनी ही जरूरी है क्योंकि उसे चॉइस का हक मिल जाता है, अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने का हक, जो हम हर कदम पर औरत से छीनते आए हैं। और ये हक तो हमारा मजहब भी देता है। एक पढ़ी लिखी बीवी, एक पढ़ी लिखी माँ आगे वाली नस्लों को सवार देती है। ये है तालीम की ताकत। ये तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकी ना इन वो मैं कर, बस तुमने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारने है। थैंक यू मैम। एमन, मैं देख रहा हूँ आज तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई पे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ? क्या हो गया, कोई मैथ का सम समझ नहीं आ रहा? मैं मेरी शादी करवाना चाहती है, उन्होंने मेरे लिए कोई लड़का भी देख लिया है। अभी शादी तो अभी बहुत छोटी हो, इस उम्र में शादी? यही तो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो ये तो बहुत आसान है, तुम अपनी अम्मी को जाके बताओ कि तुमने शादी नहीं करनी है। अभी सुनती कहाँ है वो किसी की, ड्रेट लगा के रखी हुई है कि मंगनी कर लो और रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। तो मुझे आजकल का ना ये सिस्टम समझ नहीं आता। हमारे जानने वालों में भी एक छोटी सी बच्ची है जिसको पकड़ के उसकी शादी करवा दी है और तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पीछे लगी हुई है शादी के लिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल के अम्मा अब्बा को, क्यों कर रहे हैं वो लोग ये सब। अब तुम्हारी भी शादी करवा रही है तुम्हारी अम्मी। अजीब सिस्टम चल रहा है यार ये आजकल, सुकून से बेचारों को पढ़ने भी नहीं देते। स्टूडेंट लाइफ तो एंजॉय करने दे, जब सही टाइम आएगा तो हो जाएगी शादी। पता नहीं क्यों नहीं समझते।
आप मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हैं। एवं तुम्हारी बात नहीं है ना, ये तुम्हारे लिए सही है ना किसी और लड़की के लिए। एक वक्त आता है, उस वक्त पे शादी हो जाती है। अच्छा एमल, तुमने अब परेशान नहीं होना। अगर कभी भी तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सही है? चलो अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं जरा। देखो परेशान नहीं हो, अब फोकस करो जरा थोड़ा सा। आमना, राज तुम जल्दी आ गई स्कूल से, क्या हुआ? क्या क्यों रो रही हो? कुछ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ आपसे? कितना बेटा, अच्छा लुक एट मी, ऐसे बिहेव नहीं करती हो, तो क्या हुआ? Look at me. Just breathe, okay? Just relax. Look at me. Look at me. Relax. कुछ नहीं, मुझे बताओ कि क्या हुआ? Yes. वो बस मेरा बच्चा। मैंने आपको बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को समझाऊं कि वो बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा। पैसे तो लाई हो ना? हाँ जी, लेके आई हूँ पैसे। थैंक यू, पता है बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है तुमने। इतनी परेशान थी मैं कि पता नहीं कहाँ से अरेंज होंगे, बहनों ने कहा कदा कर दिया तुमने आज। आपका मसला तो हल हो गया है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, तुम्हें क्यों ना बुरा लग रहा है? हाफी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जमशेद से ही उस तरह पैसे मांगना। शौहर है तुम्हारा, उससे पैसे मांगने में कौन सी बुराई है? और अच्छा है आदत डाल के रखो थोड़ी, बहुत हबीब जैसा हो जाएगा वरना। हाफी, जमशेद बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो तो मुझ पर जान निछावर करते हैं, सब कुछ लुटा दें अपना मुझ पर। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, मैं आपको बता रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती जमशेद से। रिया, बीवियाँ शौहरों से ही पैसे मांगती हैं, और अच्छी बात है ना कि तुम्हें पैसे निकलवाने आते हैं उससे। आप ही, मेरे जमशेद ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, कभी उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई शक नहीं किया मुझ पर। पता है जब मैंने उनसे कहा ना कि मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे हाथ में लाके पैसे रख दिए। और आलिया, मेरी बात सुनो, कुछ गलत नहीं हो रहा है, तुम बीवी हो उसके, तुम्हें उसे उसे बात करनी आती है, उसे पैसे निकलवाना आता है, इसमें क्या बुराई है? इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, आप ही, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। वो तो मेरी खुशनसीबी है कि जमशेद जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया।
मैं उनके प्यार को कभी धोखा नहीं दे सकती यार। देखो मैं जानती हूँ ये सब और मुझे पता है जमशेद एक अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल भी रखता है, पर तुमने क्या बिगाड़ा उसका? तुम भी तो इतना ख्याल रखती हो उसका, एक अच्छी बीवी हो, और मेरे ख्याल से तुम्हें अपने आप को इतना छोटा फील नहीं कराना चाहिए। कुछ गलत नहीं कर दिया है तुमने उन लोगों के साथ? पहली दफा शायद मांगे होंगे तुमने इस तरह पैसे। आलिया, हम दोनों बहनों ने बहुत बुरा वक्त देखा है, हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था जब हम एक दूसरे के लिए खड़े थे। देखो आलिया, जितने भी चाहने वाले आ जाएं, कितना भी हमारे शौहर हमसे प्यार करें, हम दोनों बहनें एक दूसरे का साथ निभाएंगी हमेशा। और आज तक नहीं निभाया क्या? मैं भी कितनी बार जिंदगी में खड़ी रही हूँ ना तुम्हारे लिए। परेशान ना होना प्लीज। बहुत शुक्रिया यार इसके लिए। क्यों आदर्श।